समझने को मैंने समाज में चैनल देखने क्रिकेट का जुम्मन पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान सेकंड ओडीआई की मैच समरी। पाकिस्तान ने टॉस के पहले फील्डिंग की, बारिश हुई तो लेट मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 247 रन बनाए। ऑल टीम आउट होगी 45.2 ओवर्स में। इंग्लैंड के दर्जे फेजर सॉल ने 60, जेम्स विन ने 56, लिविस ग्रिगोरी ने 40 और ब्रेडन के कर्स ने 31 रन बनाए। पाकिस्तान की दर्जे हसन अली ने 5 रन को आउट किया। हारिस हाउस ने 2 आउट, शकील ने 1 और शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो 195 रन बना के ऑल टीम आउट होगी 41 ओवर्स में। साउथ शकील ने 56 रन बनाए। अपने बनने कैरियर की पहली 50 स्कोर कर दी। हसन अली ने 31, शादाब खान ने 21, बाबर आजम ने 19, लिविस ग्रिगोरी ने 3 रन को आउट किया। साकिब महमूद ने 2, क्रेग ओवरटन ने 2, मैट फर्ग्यूसन ने 2 रन को आउट किया। इंग्लैंड ने यह मैच 52 रन से जीत लिया। तो अब तो सीरीज भी वनडे सीरीज तो हाथ से गई पाकिस्तान टीम ये मैच हार के वनडे सीरीज में भी शिकस्त हो गई। वनडे सीरीज भी हार चुका है, एक मैच तो बाकी है, लेकिन 3 वनडे थे तो 3 वनडे में से 2 वनडे इंग्लैंड ने जीत लिया, जिसकी वजह से सीरीज भी इंग्लैंड ने जीत ली। अब बाद में करता चलूँ परफॉर्मेंस की पाकिस्तान टीम की, ये तो देखें जी पहले तो मैं बात करता चलूँ कि जी जो खिलाड़ी पाकिस्तान टीम पे बोझ बने हुए हैं आजकल, खासतौर पर ये जो अभी 2 वनडे मैच हुए हैं, ये आप देख लें कि किन की परफॉर्मेंस कहाँ है। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते चलें इमाम हुसैन की, जो पहले हम ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या इमाम हुसैन की क्या परफॉर्मेंस है जी आपके सामने? फखर जमान की क्या परफॉर्मेंस है आपके सामने? बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है आपके सामने? शाहब शकील डेब्यू कर रहे हैं, ठीक है, पहली मरतबा खेल रहे हैं इंग्लैंड में। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की क्या परफॉर्मेंस है आपके सामने? उसके बाद मोहम्मद रिजवान के बाद इतने शोएब मकसूद जो कि काफ़ी अरसे के बाद टीम में वापस आए हैं, उन पर मैं ब्लेम दूँगा। मैं हरगिज़ ऐसे खिलाड़ी पर ब्लेम नहीं दूँगा जो खिलाड़ी आपने 2 ढाई सालों के बाद जो टीम में रखा है। ये तो उस लड़के को बाई चांस चांस मिला, जब क्या कहते हैं अगर हैदर ली क्या कहते हैं भाई कोई ना होता वो सल्तनत तो वो भी ये सीरीज खेलता। ये तो हैदर ली की जगह इन्होंने रखा है शोएब मकसूद को। तो उसके बाद शोएब मकसूद के बाद परफॉर्मेंस शादाब खान की देख लें, कल तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, विकेट एक ले ली। और उसके बाद फहीम अर्शद की परफॉर्मेंस देख लें, ना उस लड़के से बैटिंग होती है, ना उस लड़के से बॉलिंग होती है और ना उस लड़के से फील्डिंग होती है। ठीक है जी, ये फहीम अर्शद की। उसके बाद हसन अली ने कल अच्छी बॉलिंग कर दी, शाहीन अफरीदी ने अच्छी कैच कर दी, हारिस राउत ने अच्छी। अब आप देखें ना भाई जो खिलाड़ी टीम पे बोझ बने हुए आप उनको यूं खिला रहे हैं। मैंने पहली वीडियो में भी यही बात की थी भाई, आप इंग्लैंड में गए रहे हैं, ना तो आप यूएई में गए रहे हैं ना तो पाकिस्तान में गए रहे हैं, पहले 10 ओवर सर्वाइव करने होते हैं। और हमारे ओपनर जो हैं वो पहले ओवर की पहली बॉल पे या दूसरे पहले ओवर की दूसरी बॉल पे विकेट दे रहे हैं इंग्लैंड के बॉलर्स को। हफीज़ ज़मान को देख लें, 10 रन किए हैं उन्होंने कल, 45 गेंदें खेली हैं। ये इस तरह की बैटिंग होती है वनडे में? इस तरह की बैटिंग तो T20 में होती है। बाबर आजम कंसिस्टेंट परफॉर्म करता आ रहा है, कैप्टन है, अब वो अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? कल बाबर आजम दोनों मैच में परफॉर्म नहीं किया तो पूरी टीम ने कुछ नहीं किया। रिजवान T20 में रन कर रहा है, वनडे में उसे रन नहीं हो रहे, क्यों खिला रहे हैं आप उसको? साहब शकील से आपने डेब्यू कराया, शोएब मकसूद को 2 ढाई साल के बाद टीम में कमबैक कराया, ठीक है जी। शादाब खान ठीक है, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग में भी 21 रन कर दिया, लेकिन जो शॉट खेली है आउट हुए हैं वो समय से बालातर, क्यों? फहीम अशरफ क्या कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं, किस बुनियाद पर आप फहीम अशरफ को खिला रहे हैं? ऑल राउंडर है तो ये ऑल राउंडर है ना, उसे बैटिंग हो रही है ना उसे बॉलिंग हो रही है ना उसे फील्डिंग हो रही है, बोझ बने हैं टीम पे। जब टीम जीतती आती है तब क्या कहते हैं किसी को कोई गलती नज़र नहीं आती, ठीक है जी, सब वाह वाह कर रहे हैं, सब जीत रहे हैं, सब वाह वाह कर रहे हैं,
और जब टीम हारती है तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं खिलाड़ियों में जो है वो परफॉर्मेंस बात होती रहती है, और जब मैच जीत रहे होते हैं उस वक्त किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, ना तो कोच की बात होती। उस वक्त कोच की भी वाह वाह हो रही होती है, कप्तान की भी वाह वाह हो रही होती है, खिलाड़ियों की भी वाह वाह हो रही होती है। अब ये तीन टेस्ट में देख लें, इमामुल्लाह, फखर जमान और बाबर आजम, इन तीनों ने साउथ अफ्रीका में रन्स किए थे, मिड ऑर्डर ने रन्स नहीं किया, पाकिस्तान जीत गया। और इंग्लैंड में ना तो फखर जमान से रन हो रहे हैं, ना तो इमामुल्लाह से रन हो रहे हैं, ना तो बाबर आजम से रन हो रहे हैं। भाई आप 248 रन चेज कर रहे हैं, 300 तो नहीं चेज कर रहे, क्या क्या जल्दी है। जो बैट्समैन आए, दो चौके लगाए आउट, एक चौका लगाया आउट, दो कहते हैं दो छक्के लगाए आउट, ये क्रिकेट करें। शुएब मकसूद को बहुत जल्दी कर ली, उसने दो छक्के आए के लगाए वो आउट, ऐसा नहीं होती क्रिकेट। रिजवान आए, एक चौका लगाया आउट, बाबर आजम दो तीन चौके लगाए आउट, ना नहीं ऐसा नहीं। कप्तान है तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करो भाई, रन करके दो, परफॉर्म करके दो, पार्टनरशिप बनाओ। रिजवान की कमी करते थे वनडे में परफॉर्मेंस नहीं है, टी ट्वेंटी में वो बेशक से परफॉर्म करे, लेकिन अगर वो टी ट्वेंटी में परफॉर्म कर रहा है तो उसको वनडे में भी परफॉर्म करना चाहिए। ये नहीं कि वनडे में वो नंबर चार या नंबर पाँच पर आके आपको परफॉर्म ही ना करके दे। उसका नंबर चार या नंबर पाँच पर इसलिए खिलाया जा रहा है कि वो लंबी पार्टनरशिप बनाए, नहीं तो नंबर चार और नंबर पाँच पर और भी खिलाड़ी खेल सकते हैं। साहब शकी को नंबर चार पर भेजा जा सकता है, नंबर पाँच पर शुएब मकसूद को भेजा जा सकता है, नंबर छः पर रिजवान आ जाए, या फिर नंबर चार पे नंबर चार पे शादाब खान को भी भेजा जा सकता है, फैय मरशा को भी भेजा जा सकता है। फैय मरशा को टीम में आए कितने साल हो गए, 2017 से टीम में आए हैं, और अब आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि सुबह आज मेरा बदलो खिला रहे हैं। उल्टा फैय मरशा से तो आप बचा के अगर वो मोहम्मद नवाज उखने तो वो बेहतर नहीं रहेगा, एक आपको सबिंदर बोल रहा है मिल जाएगा। इमाद वसीम को आपने रखा नहीं है वनडे स्क्वाड में, टी ट्वेंटी में उसको रखा है, इससे तो अच्छा इमाद वसीम है, कम से कम चौके चौके तो लगा देते हैं एंड में आज। बहर फहीम अर्शद को ड्रॉप करें, मैं क्या कहते हैं मैं बिल्कुल भी उनकी परफॉर्मेंस में मुतमिन नहीं हूँ। कल भी वो कहते हैं सीवी फ्रा खेलते हुए आउट हो गए, ये भाई ये वहाँ पर प्लानिंग करूँ कि भाई मैंने सौ सी के साथ लंबी इनिंग बनानी, लंबी बाउंड्री बनानी है। हसन अली आए उनको तो अपना यही था ना, क्योंकि जो हसन अली आए हैं उस वक्त बैटर पाकिस्तान पे था, उन्होंने तो बैटर हटाना था, ठीक है आउट हुए हैं वो, देखे ना अब जिस बॉल पर आउट हुए हैं उस पिछली बॉल पर भी उन्होंने वही शॉट खेली थी, तो उनको इस जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनको आराम से जब वो 31 रन बना चुके थे तो उनको आराम से बिल्डअप करना चाहिए था, बस कि भाई मैंने बस आउट नहीं होना, मैंने आउट नहीं होना, मैंने साउथ अफ्रीका का साथ देना है और लंबी पार्टनरशिप बना के पाकिस्तान की टीम की जीत में अहम किरदार अदा करना। हसन अली की बॉलिंग की क्या कहते हैं जो मेहनत गई वो बैट्समैनों ने मिट्टी में मिला दी। पर मैं तो तनकीद करूँगा, मैं तनकीद करूँगा, मैं नहीं चुप बैठूँगा, मैं करूँगा तनकीद। चार बात बाद अब तीन साल बाद अब स्पेशली बहुत बाद के जा रहे हैं शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस, उन तीन के होते हुए फैय मरशद को क्यों खिलाड़े, फैय मरशद को इसलिए खिलाड़े कि वो ऑलराउंडर है, क्या उसने आपको ऑलराउंडर बन के दिखाया है ना, उस लड़के की बैटिंग है ना, वो बैटिंग में रन कर रहा है, छः ओवर में उसने 45 रन दे दिए, और फील्डिंग में भी इतनी कोई खास नहीं है उसकी, इससे तो अच्छा कि हम उसको बारे बिठा के किसी एक स्पिनर ऐड कर लें जो शताब खान और साउथ शकीर का साथ दे सके। जब साउथ शकीर ने 3 ओवर में 14 रन देके एक आउट कर दिया तो उसको क्यों हटाया गया, बाकी 7 ओवर क्यों कराए गए, वही मेरे को मार बैठ लिया और बार बार उन्हीं को लगाए जा रहे हैं बार बार, और हमने 3 पे इंग्लैंड के 6 आउट कर दिए थे, क्या गलती, इधर ही गलती हुई ना, क्यों क्यों मुझे 250 रन करवा दिए, उनको तो कहते हैं 200 से भी कम कराने चाहिए थे। बहरहाल
पहले मतलब शुड भी ड्रॉप फ्रॉम द टीम, उसका कैरियर ख़त्म हो गया। हाँ जी, बहुत चांस मिल गया उनको क्योंकि उन्होंने अपने आप को मनवाया नहीं। मैं काफ़ी अच्छे से चुपता, इसकी वजह से मैं चुपता कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहा था ना, उससे बॉलिंग हो रही है और ना उससे बैटिंग हो रही है। ऐसे खिलाड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा वो मोहम्मद नवाज है, कम से कम क्या कहते हैं एक चौके छक्के तो लगा देता है। हसन अली उससे अच्छा। देखे ना भाई, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा ना, क्या साउथ अफ्रीका जब टीम गई थी, पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका का स्कोर किया था, तीन वनडे मैच, तीन टी ट्वेंटी मैच, सॉरी चार टी ट्वेंटी मैच खेले थे क्या उन उस वनडे सीरीज में? फखर जमान ने रन नहीं किए, इमाम उल हक ने सो नहीं किए, बाबर आजम ने सो नहीं किए। वहाँ पे इमाम उल हक ने रन किए, बाबर ने रन किए, फखर जमान ने रन किए, बस ठीक है जी। तीन बैट्समैन ने रन कर दिए, मिड आउट ऑफ फेल, पाकिस्तान मैच जीत गई। बाबा मिसबा की बाबा, बकाज यूनस की बाबा, इमाम उल हक, फखर जमान, बाबर आजम की बाबा। अब ये सब इन टीम ने रन नहीं किए तो तीन बैट गई, ये जो होगा ना काफ़ी अच्छे से। मैं ये बात कहते हैं भाई, हाँ सिर्फ एक या दो प्लेयर पर रिलाय ना करो, बाकी प्लेयर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। अब सीरीज तो गई है आज से, अब आखिरी वनडे मैच बचा है, मंगल को खेला जाएगा, देख लेते हैं कि उसमें भी क्या गोल खिलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।